हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को आलू पराठा बनाना बताऊंगी। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आलू को उबाल ली हूँ और इसमें डालने के लिए मैंने प्याज को काट ली हूँ, ये छौंक लगाने के लिए जीरा, ये मंगरेला जमाई और ये धनिया पत्ता और हरा मिर्च काट ली हूँ। ये आलू को मैं मैश कर ले रही हूँ। कढ़ाई को हमें गर्म कर लेना है पहले। इसमें सरसों तेल को डाल रही हूँ मैं, छौंक के लिए जीरा, जीरा तड़क जाएगा, प्याज को फिर मैं डाल दी, प्याज को फ्राई कर लेंगे हल्का हम। ये हरा मिर्च को भी हमें डाल लेना है, इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है। स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि मैं आटा में नमक नहीं दूंगी तो चोखा में ही नमक डाल रही हूँ। अच्छे से देखिए फ्राई हो गए हैं प्याज। इसमें मैं आलू जो मैश करके रखी थी उसे मिला दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिलाकर अच्छे से और फ्राई करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से फ्राई हो जाएगा ये। अच्छे से हमें मिला कर एकदम फ्राई करना है। ये फ्राई हो गए हैं हमारे चोखे, तो इसे मैं धनिया पत्ता डाल दी और इसे मिला लूँगी मैं। और ये जमाइन मंगरेला को भी डाल दी मैं, ऐसे मिला दूँगी मैं अच्छे से। और ये हमारा चोखा बनकर तैयार है। इसे मैं ठंडा होने के लिए गैस बंद कर दी हूँ, ठंडा होने के लिए थोड़ा देर छोड़ दूँगी, तब तक आटा गूंद लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा को मैं गूंद ली हूँ। इसमें अब मैं लोई काट के चोखा को भर के पराठा बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें लोई काट लेना है और इसमें कटोरी जैसा हमें बर्तन लगाकर बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, कटोरी जैसा बना ली। अब इसमें चोखे को डाल दूँगी, ऐसे गोल गोल घुमाकर बंद कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बनाना है। बर्तन लगाकर हमें बेल लेना है अब इस पराठे को। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें बेलना है। पराठा मैं बेल ली हूँ। तावा को मैं गर्म कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तावा गर्म हो गया था, मैं रोटी को डाल दी हूँ। पलट देना है, अच्छे से हमें पकाना है आलू पराठे को। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तेल देकर हमें अच्छे से सेकना है पराठे को दोनों साइड से। आप सरसों तेल भी दे सकते हैं या रिफाइंड तेल, मैं सरसों तेल से सेक रही हूँ। इस तरीके से हमें अच्छे से दोनों साइड से पका लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से बनाइएगा पराठा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही बनाना भी सिंपल है। ठंड के मौसम में बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं ये पराठा। आप लोग भी ज़रूर बनाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।